महिला पुरुष बुजुर्ग बच्चे नौजवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गांव के शहर के पहाड़ के मैदान के समाज के हर व्यक्ति का भला मोदी सरकार ने किया है। जिस तरीके से मोदी साहब की योजनाओं का लाभ आज पूरे भारत में जनमानस को मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत के साथ इन पांच राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। देखिए, कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो, पुरानी कहावत है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब उनको मालूम है कि देश की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जब देश की जनता ने कांग्रेस का और समाजवादी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया है, इसलिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडे में हमेशा कांग्रेस रहती है। लेकिन सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि पूरे भारत का जनमानस और भारत का बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी पर देश का विश्वास है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम है। रविंदर जी, यहाँ पर भी चुनाव होने हैं, पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, वहाँ पर आप क्या कहेंगे, क्या वहाँ पर बीजेपी का जादू? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ा। इससे पहले हम वहाँ जो अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, इस बार पहली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा है। और आप देख रहे हैं जो इस समय सभी टेलीविजन चैनल्स पर जानकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी उछाल पंजाब में भी देखा गया है और आने वाले सालों में आप देखेंगे इसी प्रकार संगठन की मजबूती पंजाब के अंदर भी होगी। और रविंदर जी यहाँ पर भी चुनाव होने हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर में रहेगी ऐसी? रविंदर जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रहेगी आपकी? यहाँ तक जम्मू कश्मीर का विषय है, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पहले कहा है कि परिसीमन आयोग की कार्रवाई पूरी होने के बाद जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों की हदबंदी विधानसभा का गठन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे और अगले 6-8 महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर भी यहाँ असेंबली के चुनाव होंगे। और जिस प्रकार इन पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर भी आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भी सरकार बनाएगी। यकीनन जिस प्रकार मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब मजदूर किसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जम्मू संभाग के डोगरे हो या कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हो, गुजर बकरवाल गद्दी सिपी या पहाड़ी कबीले के लोग हो, पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित हो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे भाई बंधु हो या गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, समाज के हर वर्ग का भला मोदी सरकार ने किया है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस पूरे मिशन के साथ हमारी सरकार काम करती है। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे कि मोदी सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ जम्मू कश्मीर की जनता ले रही है। यहाँ के लाखों किसान उनके खातों में 6-6 हजार, यहाँ के करोड़ों लोगों को
आयुष्मान भारत की योजना के तहत अगर किसी को अपने इलाज के लिए एक साल में धनराशि की जरूरत पड़े तो 5-5 लाख ई श्रम कार्ड, गरीब लोगों को 1000-1000 रुपया पेंशन हर महीने, और कोरोना महामारी से देश को बचाने का काम मोदी साहब ने किया, फ्री वैक्सीनेशन और फ्री राशन जो देश की जनता को दिया गया इस कोरोना काल में, उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को भी मिला। गांव में गांव हो शहर हो, आज डेवलपमेंट के काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं और इसका लाभ देश की और जम्मू कश्मीर की जनता उठा रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो हमारे देश की मातृशक्ति है, हमारे देश की मातृशक्ति ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान किया है। नीचे कर भाई। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो या मणिपुर हो, माता पंजाब में भी हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया है। मोदी सरकार की जो योजनाओं का सीधा लाभ परिवारों को मिलता है, तो परिवार को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका मातृशक्ति हमारी माताओं और बहनों की होती है, इसलिए बड़े पैमाने पर इन चुनावों में हमारी मातृशक्ति ने और युवाओं ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, वो जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, क्योंकि मोदी साहब की योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के प्रत्येक परिवार को है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी आने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता कांग्रेस के कांग्रेस के खेमे में खन्नाटा बस रहा चुनाव चल रहे हैं, किस नजरिए से वैल्यूएट करते हैं, किस नजर से वैल्यूएट करते हैं 5 राज्यों के चुनाव का? बहुत जबरदस्त जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत जबरदस्त। पिछले 70 वर्षों में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार जो सत्तासीन है वो पुनः सत्ता में आई है, और इसी प्रकार उत्तराखंड में भी, और वहीं गोवा में और मणिपुर में। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें थी, और फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सहयोग से जनता के विकास कार्यों में तेजी आई, सबका भला हुआ और लोगों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए। विधानसभा चुनाव होंगे तो इस बार मोदी योगी के नाम पर इलेक्शन लड़े जाएंगे या भाजपा के अपने काम पर? नरेंद्र मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, और ये हमें फख्र महसूस होता है, गर्व महसूस है मोदी साहब पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और जो मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर काम किए हैं, 2-2 एम्स, 9-8-8 यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, हाईवेज, टनल्स, रेलवेज, रिंग रोड्स, गांव-गांव में बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, विकास कार्यों में ताबड़तोड़ तेजी। जनता इसको वोट देगी और बीजेपी को वोट देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 50 के पास।